चल दुनिया नहीं ये है बबल। किसकी कॉल आ गई इस वक्त? हेलो जी, कौन रजाक? अरे रजाक भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। वो दरअसल पैसों का कोई मसला नहीं, मसरूफ बहुत था आपको पता है आजकल। जी जी जी, रजाक भाई 6,000 थे ना? अरे नहीं नहीं, 10,000। नो प्रॉब्लम रजाक भाई, बस भूल गया था। आप फिक्र ना करें, आप एक काम करें, मैं भी बस निकल रहा हूं, अपने चौकीदार को कहें कि रात को जागता रहे, मैं किसी वक्त भी पहुंच जाऊंगा, एटीएम से तो निकाल ले। बहुत शुक्रिया रजाक भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि 7-8 महीने हो गए 10,000 को। जी खुदा हाफिज। नबील बेटा, 10,000 रुपया कहां से देगा? मोमो, ये तुम्हें सारे काम रात को क्यों याद आते हैं? 43। मोमो क्या है? अरे ये कोई वक्त है जुए देखने का? मैं जुए देख नहीं रही हूँ, जुए मार रही हूँ। सिकंदर महमूद। महमूद नहीं मार रही हूँ, जुए मार रही हूँ। हाँ छोड़ो भाई, जाओ जाके हाथ धो के आओ। नहीं नहीं, पानी बहुत ठंडा है। वैसे मोमो, सर्दियों का भी एक अपना ही अलग से मजा होता है ना? मुझे तो सर्दियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? मुझे ना सर्दियों में वो आते हैं। वो क्या? वही जो रात को सोते में आते हैं। ख्वाब? नहीं ख्वाब नहीं, जो मुंह से आते हैं। झाग? झाग तो साबन से आते हैं साजिद। महमूद? महमूद से आते हैं? उफ़। क्या हुआ? मेरे ख्याल में तुम सो जाओ। न मैं आपके ख्याल में क्यों सोऊं? मेरे पास अपना ख्याल है, ये देखें। ये लिहाफ है। हाँ तो मैं इसमें सोऊंगी ना। खुदा के वास्ते सो जाओ, और प्लीज खराटे मत लेना। हाँ खराटे। क्या हुआ? मुझे सर्दी में खराटे आते हैं मजर मुइन। दरवाजा क्यों बजा रहे हैं? आप तो अंदर हैं। नबील होगा। किसके यहाँ? ओह तुम सो जाओ। अच्छा क्या हुआ नबील? महमूद साहब, कुछ पैसे मिल सकते हैं? कहाँ से? कहीं से भी। हाँ ढूंढ लो, शायद मिल जाए। अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उधार पैसे चाहिए? हाँ चाहिए। मुझे उधार पैसे चाहिए महमूद साहब। तो खुद मांगो। मांगे तो हैं। फिर मिले? महमूद साहब मैं आपसे उधार पैसे मांग रहा हूँ यार। मुझसे? लो बताओ। अरे मेरे पास तो मूंगफली खाने के पैसे नहीं है। वो मैं आपको ला दूंगा, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए। जब तुम मुझे ला के दोगे तो ले लेना मूंगफली। 10,000 रुपए। महमूद साहब, 10,000 रुपए? हाँ। तुम 10,000 रुपए का क्या करोगे नबी? हवाई जहाज खरीदूंगा। हवाई जहाज का क्या करोगे? जानू से उड़ाऊंगा। नबील तुम्हें जहाज उड़ाना आता है? हाँ जानू, मैं बचपन में खुद कागज का जहाज बना के उड़ाता था। नबील तुम 10,000 का कागज का जहाज खरीदोगे? जानू 10,000 में बोइंग तो आएगा नहीं। नबील यार मुझे कपड़े बनवाने हैं। किसके लिए? अपने 62 एपिसोड से वही कपड़े पहन रहा हूँ। नबील तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ना कि तुम मेरे लिए कपड़े बनवाओ, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। तुम देखना खूबसूरत, एक दिन मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। अच्छा किस दिन? जिस दिन मैं अमीर हो जाऊंगा। अच्छा और वो दिन कब आएगा? जब तुम्हारे पापा अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। उफ, यू विल नेवर चेंज नबील। खूबसूरत शर्म। हेलो, मेरी शादी करवा दें। हैं? प्लीज मेरी शादी करवा दें। देखिए मैं शादी करवा नहीं सकता, कर सकता हूँ। करेंगी?
फोन बंद कर दिया। मुझे लगता है लड़के की आवाज अच्छी नहीं लगी। कौन था सजाद? कुछ नहीं, वो सोने का रेट पूछ रहे थे। आप तो जागने का बता रहे थे। दूसरे वाले सोने का। अच्छा क्या हुआ नबील, तुम्हारी चवन्नी गुम हो गई है? कुछ नहीं महमूद साहब। तेरा वो क्यों इतना उतरा हुआ है बेटा? वो क्या? वही जो तेरी गर्दन के ऊपर है। ये तुम्हारी गर्दन के ऊपर क्या है नबील? तिल है महमूद साहब। तो तुमने क्यों उतारा हुआ है भाई? ओ प्लीज महमूद साहब मजाक मत करें यार, मेरा मूड पहले ही बहुत ऑफ है। हाँ मूड, मुंह, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है सजाद? अरे उतरा कहाँ हुआ है, उसका मुंह तो लगा हुआ है। चुप करें यार, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की बेइज्जती से। ये खूबसूरत ने फिर तुम्हारी बेइज्जती की है। उसकी ये जुर्रत, बोल दे उसे कि मुझे तलाक दे। महमूद साहब माँ जी को तलाक दे दे यार। ओए मुझे नहीं, तुझे तलाक दे। वे मैं इसे कैसे तलाक दे सकता हूँ? नादिया को बोले कि इसको तलाक दे। खूबसूरत? नहीं खूबसूरत नहीं दे, तलाक दे। अरे आखिर हुआ क्या है नबील? महमूद साहब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं खुद कमाऊंगा। कैसे? ये भी सोचना है तो सोचो। माँ जी आप भी सोचे। मैं नहीं कमा सकती भाई। माँ जी ये बताएं कि मुझे काम क्या करना चाहिए। बेटा एक गिलास पानी ले आ। माँ जी। हेलो। मेरी शादी करवा दें। क्या? हाँ बीबी ये मैरिज ब्यूरो नहीं है। प्लीज मेरी शादी करवा देना। रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था महमूद साहब, हमने क्या मैरिज ब्यूरो खोल रखा है यार। लो बताओ। महमूद साहब हाँ। मेरे साथ लॉन में आए। घास खानी है? तुम जाओ मामू। अबे इधर नहीं आओ, मैं छोड़ के आओ। इधर आओ महमूद साहब, मैरिज ब्यूरो खोल लेते हैं। तेरे पास उसकी चाबी है? सुनने दो। देखिए महमूद साहब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लड़के वालों को लड़की की तस्वीरें दिखाएंगे, लड़कियों वालों को लड़के की तस्वीरें दिखा देंगे। तो मेरी ना एक अच्छी सी तस्वीर खींच दे। माँ जी हाँ ये ठीक है, घर बैठे पैसे मिलेंगे। देखिए महमूद साहब 500 रुपया रखेंगे रजिस्ट्रेशन फीस, रिश्ता हो जाने पर दोनों पार्टियों से 10,000 रुपया ले ली करेंगे। हाँ ये ठीक है शमशाद, अब तू बता कि आइडिया क्या है। मोमो आओ मेरे साथ अंदर आओ, तुम्हें आइडिया सुनाओ। जो सुनाएंगे वो आइडिया होगा। अपनी लाइनें बोलो। अभी तक कोई आया नहीं है यार, तुमने एड्रेस तो ठीक लिखा था ना? जी महमूद साहब बिल्कुल ठीक लिखा था। ओ, ले आ गया, आप बैठे मैं देखता हूँ। नहीं नहीं मैं भी साथ ही चलता हूँ। चले मिलके देख लेते हैं। ओहो आप कौन? इश्तेहार दिया था। आपने? नहीं आपने अखबार में। अरे हाँ सर सर आइए सर, हाँ सर आइए आइए सर आइए प्लीज आइए सर आइए। थैंक यू। लड़की दिखाओ। वो तो हम दिखा देंगे। वो क्या लड़की? आप पहले अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो दें। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्दी बोलो। यही कि आप करते क्या हैं, कमाते क्या हैं, घर कितना बड़ा है? सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी घर बंगला बैंक बैलेंस बीवी बच्चे। शुगर है आपके मुंह से बाल नहीं निकला। मेरे मुंह से बाल क्यों निकलेगा? नहीं नहीं वो बाज दफा खाना खाते हुए मुंह से निकल जाता है ना। आपकी बीवी अपाहज है? नहीं मरने वाली है। नहीं भाई तो फिर आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा? अरे तो फिर लड़की का क्यों पूछ रहे हैं? यार तुम्ही लोगों ने तो इश्तेहार दिया था, मैंने सोचा आकर देख लूं। दिखाओ। हेलो आप हमें समझ क्या रहे हैं? यार बातें बातें छोड़ो और अपना जरा कंचा पीस दिखाओ। कंचा पीस? कहाँ पे आ गए हो? ओ भाई तू गलत समझ रहा है, चल यहाँ से। अरे नखरे मत कर यार, डबल पैसे ले लेना। जाते हो या पुलिस बुलाऊं? अच्छा पुलिस को बुलाते हो और हमें नखरे दिखाते हो। चल बे चल, उठ उठ। हाँ मैं तुझे कंचा पीस दिखाता हूँ। चला गया? जी हाँ चला गया। ये तुमने इश्तिहार में लिखा क्या था? जो आपने लिखवाया था
और तुमने इश्तेहार दिया किस अखबार में? रात के अखबार में। चलो फिर तो ऐसे ही लोग आएंगे ना। मेहमान साहब, ये किस किस्म के लोग आ रहे हैं घर पे? जानू वो आदमी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया था। यहाँ क्यों? मैं और महमूद साहब मिलकर ना गरीब और मजबूर लड़कियों के रिश्ते करवा रहे हैं। क्या? मुझे पता था तुम्हें ये सुनकर बहुत खुशी होगी। नबील, तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला था जो अब दूसरी लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हो? मैं कौन सा खुद शादी कर रहा हूँ उनसे? हम तो सिर्फ शादियाँ करवाएंगे ना यार। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है खूबसूरत, सोचो कितनी दुआएं मिलेंगी। इस मुल्क में कितनी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई और वो घर पे बैठी हुई हैं। तुम्हारी कई कजने हैं जो घर पे बैठी हुई हैं। हाँ लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम इस काम में हमारी मदद करोगी। नबील, ये काम औरतों के होते हैं, मर्दों के नहीं। कोई काम औरतों मर्दों वाला नहीं होता, और मैं वैसे भी औरत मर्द के बराबरी का कायल हूँ। तुम्हें जो करना है करो। वैसे ये बड़ी गलत बात है जानू, तुम जो भी करना चाहती हो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। अब अगर घर में मैं कुछ करना चाहता हूँ तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना जानू, बस जो भी मेहमान आए चाय वाय उसको पेश करना, ताकि उनको फील हो कि ये दो नंबर लोग नहीं है, फैमिली ये काम कर रही है। थैंक यू जानू, तुम देखना तुम्हें कितनी दुआएं मिलेगी। आप कौन? मैं मलक। 2 लीटर देना, मेहमान बहुत आ रहे हैं ना। तो मैं दूध देने वाला मलक नहीं हूँ। तो फिर क्या आप अंडे देने वाले हैं? यार ओ मैं मलक हूँ, मलक। कंपनी फिल्म वाला मलक? ओ नहीं। फिर? मेरा साईं वाला मलक, मेरा साईं वाला। मलिक साहब, बड़ा नाम सुना है आपका। जेजे ने तो हमें टीजर दिखा दिखा के पागल कर दिया है। लेकिन इनका नाम तो बहुत छोटा है। ओ छोटा नहीं है मेरा नाम, मलक है मलक। और मुझे मेरी बीवियां प्यार से मेरा साई कहती हैं। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ 4 हुई हैं। तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं आप? ओ बाबा, अपने बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ मैं। ओ अच्छा, तो आप अपने बच्चे को साथ नहीं लाए? माँ जी बच्चा नहीं है। तो लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं उसके लिए? ओ लड़की मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें कान सुनाई देता है? महमूद साहब, आप ना मलिक साहब को तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, कोई दूसरी दिखाओ यार। ये देखिए, और नहीं कोई अच्छी दिखाओ यार। ये ले, ये देखिए। नहीं, बैठ कर यार देखने तो दो, मुझे यही लड़की चाहिए। मिल जाएगी मलिक साहब। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं महमूद साहब? अरे ये खूबसूरत है। तो क्या मतलब है मलिक साहब की खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करानी? क्यों मलिक साहब? हाँ यार। अरे बेवकूफ, ये अपनी खूबसूरत है। फाड़ दे इसको, शमीम शमीम फाड़ दे ये तस्वीर। ओ खबरदार, और मुझे यही लड़की चाहिए। मगर मलिक साहब ये लड़की तो मर चुकी है। क्या? अरे क्या कर रही हो यार? हाँ मलिक साहब, 1 साल पहले एक ट्रैफिक हादसे में साइकिल लगने से मर गई थी बेचारी। तो ठीक है, कोई दूसरी दिखा दो। नबील, ये दूसरी ये वाली देखें मलिक साहब। मुझे तो ये लड़की चाहिए। काशा काकू आ गया। मुझे होश आ गई है फरीदा। मोमो इसका नाम खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत। चलो यार सीन शुरू करो वहीं से। तुम तो कह रहे थे ये लड़की मर गई है। क्या? ये तो जिंदा है। नहीं नहीं मलिक साहब, ये उस लड़की की रूह है। नबील? हाँ इसका नाम नबील है। हाँ ये वाकई मर चुकी है मलिक साहब। ये तो मरने के बाद भी इतनी खूबसूरत है, मैं ऐसी मरी हुई लड़की से शादी करूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं नबी? नहीं जानू, मजाक कर रहा है ना मलिक साहब। फैसला हो गया, बस हो गया। हेलो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चलते बनो, वरना जूते मार के निकालूंगी, समझे? लेके तो मैं इसको जाऊंगा। ओ बेगैरत,
उसने तेरी बहन का हाथ पकड़ लिया, तू देख रहा है? बीवी? हाँ, उसने तेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया, तू देख रहा है? नहीं माँ जी, मैंने तो अपनी आंखों के आगे हाथ रखा हुआ है। और थोड़ी सी वो कर अब्दुल करीम। वो क्या माँ जी? वही जो मुझे तेरे अब्बा से आती है। घिन, बेशर्म। हाँ हाँ, थोड़ी सी शर्म कर, मार कर निकाल इस मेरा साईं को इधर से। अरे तुम्हारा साईं तो मैं हूँ मोमो। हाँ, इसको इधर से मार के निकाल। जे जे नबील। हाँ नबील को मार के निकाल। अच्छा माँ जी, मलिक आज तूने हदें पार कर दी हैं, तुझे नहीं पता मैं गुस्से का कितना तेज हूँ। अब ले जाओ इसे। मलिक साई, अगर आप इजाजत मांगेंगे तो वो तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन बंदूक के जोर पे जो कुछ मर्जी ले जाए यहाँ से। महमूद साहब, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। झूठ मत बोलो, मेरी तो कोई बेटी नहीं है। चल। ओए, खबरदार जब मेरी बहू के ऊपर बुरी वो डाली हो तो। वो क्या? वही जो तेरी आंखों में है बदमाश। ओ, क्या है मेरी आंखों में? हैं? मट्टी है मट्टी, साफ कर दू मलिक भाई। तुझे कोई ज्यादा ही दिखाई देता है क्या? हाँ, खबरदार जो मेरी बहू के ऊपर बुरी नजर डाली हो तो। ना क्या कर लेगी तू? कमीने, मैं तेरा कुत्ता पी जाऊंगी। खून खून। हाँ, मैं तेरे कुत्ते का खून पी जाऊंगी। और कुत्ता मैं साथ नहीं लाया। कुत्ते साथ नहीं लाए आप? अच्छा, हट। हाँ चल फिर, तू इधर से निकल, मेरा साईं निकल। चल शाबाश, निकल। वाजबर, चल चल। बड़ा मलिक बनी फिर। मलिक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किधर है ये मलिक? माँ जी, आज ये मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। और हम तुझे यहाँ से बच के निकलने नहीं देंगे, समझे बच्चू? माँ जी, माँ जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं।